हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। प्रेगनेंसी बहुत ही डेलिकेट फेज होता है लाइफ का, और जो आप खाते हैं वो आपके बेबी के अंदर जाता है। तो हमें इस टाइम पे बहुत ही हेल्दी चॉइसेस बनानी चाहिए अपनी डाइट की, और अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए। अब कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हेल्दी तो बहुत होते हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी के टाइम पे सेफ नहीं होते। तो ऐसे ही एक फूड आइटम के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो है फ्लैक्स सीड्स, मतलब हिंदी में जिसे बोलेंगे अलसी। अलसी बहुत कॉमन है, पतंजलि के कई तरीके की अलसी आती है, बल्कि मैं तो खाती भी हूँ, अभी भी खाती हूँ, मुझे पसंद है अलसी खाना। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या अलसी खाना, जिसके दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं, वो प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्लैक्स सीड्स में होता क्या क्या है। फ्लैक्स सीड्स में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और हाई फाइबर कंटेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रेगुलेट करता है, बीपी नहीं होने देता। तो आप देख सकते हैं फ्लैक्स सीड्स के कितने सारे फायदे हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम पूछेंगे, या फिर हर वीडियो में मैं आपसे ही पूछती हूँ और खुद भी बताती हूँ इसका आंसर, कि क्या फ्लैक्स सीड्स खाना प्रेगनेंसी में सेफ है। तो आंसर है बिल्कुल नो। प्रेगनेंसी में फ्लैक्स सीड्स खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको बिल्कुल भी फ्लैक्स सीड्स अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं खानी है। अब बात करते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्यों नहीं खाने चाहिए फ्लैक्स सीड्स हमें। सबसे पहले तो वो थोड़ा नौसिया और वॉमिटिंग जो प्रेगनेंसी में रहती है उसको बढ़ाती है। कई बार कुछ लोगों को सूट नहीं करती तो उनके लिप्स जो हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं। और सबसे मेन बात जो कारण है जो फ्लैक्स सीड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, वो है साइनाइड। उसमें छोटे से थोड़े से अमाउंट में साइनाइड होता है, जो किसी किसी को पॉइजनिंग तक कर सकता है अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो। कई बार फ्लैक्स सीड्स जो है वो बीपी को भी इंक्रीज कर देती हैं, और अगर आप लास्ट महीने में खाएंगे, लास्ट ट्राइमेस्टर में खाएंगे, 8th-9th मंथ में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्री मेच्योर बर्थ हो जाए बेबी का। तो फ्लैक्स सीड्स को मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं कि आपको जरूरी अगर खानी ही है, आपको अपनी डाइट में अगर फ्लैक्स सीड शामिल करनी है, तो किस तरीके से करें। तो सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप उसका पाउडर बना लीजिए। कभी भी उसको रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में बिल्कुल मत खाइए कि आपने सीधा अलसी ली और मुंह में डाल ली। ये आप बिना प्रेगनेंसी के कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के फेज में बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही रीजन है जो मैं पहले भी बता चुकी हूं कि उसमें होता है साइनाइड, और साइनाइड से आपकी बॉडी में पॉइजनिंग हो सकती है। तो अगर आपको खाना बहुत ही जरूरी है, पहले तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपको खाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं तो उसको पाउडर फॉर्म में अपनी सब्जी वगैरह में मिक्स कर लीजिए। इससे आपको उसके फायदे भी मिल जाएंगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा। और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए खाने से पहले, अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन या आपको सूट नहीं करती तो बिल्कुल बिल्कुल उसको अवॉइड करिए, बिल्कुल भी अपनी डाइट में शामिल मत करिए। वीडियो छोटी थी, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। क्या पता कोई इस वीडियो का इंतजार कर रहा हो, तो क्या पता किसके लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, उससे आपको मेरी सारी वीडियोस पहले मिल जाएंगी। और वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।